प्रोटेस्ट में, जम्मू में भी और श्रीनगर में। हम यहाँ पर है धूप में भी बारिश में भी, कल जम्मू में 2 दिन से बारिश हो रही है और हम यहाँ पिछले 5 दिनों में धूप में है और पहले सिर्फ 2 दिन बारिश हो गई। हर कोई मौसम हम यहाँ बर्दाश्त कर रहे हैं जस्ट इसलिए कि हमारी मेहनत रंग लानी चाहिए। जिस पोस्ट के लिए हमने इतनी मेहनत की है, हम 2 साल अपना सब कुछ उस पोस्ट के लिए हमने सब कुछ कुर्बान किया, फाइनली हम जब सिलेक्ट लिस्ट में आए तो गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी स्क्रैप पॉलिसी के नाम पे इन्होंने पता नहीं कौन सा एजेंडा चला दिया और हमें सड़कों पे बैठना पड़ा। और आज 9th डे है, ऑफिशियल से कोई भी नहीं आया, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी नहीं आया जो हमारी आवाज़ सुन सके। हमारी सिर्फ डिमांड, एक छोटी सी डिमांड है, पहले तो स्कैम हुआ नहीं है, इन केस अगर स्कैम हुआ है जस्ट फिल्टर आउट द लिस्ट और हमें आज़ाद करें। हम भी अपने घरों में, हमारे माँ बाप भी परेशान है कि आप लोग सुबह जाते हो फिर वहाँ पर कैसे हालात होते हैं, इवन हमें यहाँ लाठियाँ भी एक दिन बरसी, वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए हम पिछले 9 दिन से यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम इनडेफिनेट पीरियड तक है, जब तक हमें ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये मतलब ऑफिशियल स्टेटमेंट रिटर्न आ जाए कि लिस्ट स्क्रैप नहीं होगा, फिर जो भी इनको करना है, इनको इंक्वायरी 6 महीने करनी है, क्या करना है वो इनका अपना हेडेक है। लिस्ट स्क्रैप नहीं होना चाहिए, इन केस अगर स्कैम है लिस्ट फिल्टर आउट होना चाहिए और जो बच्चे 0.1 से गिर रहे हैं वो भी बाय डिफ़ॉल्ट अपग्रेड हो जाएंगे और ये इंक्वायरी टाइम बाउंड होनी चाहिए। जैसे इन्होंने PSI में बोला था 15 दिन की इंक्वायरी चलेगी, फिर वो आफ्टर 22 डेज उसका रिजल्ट आया था। हमारे यहाँ ना टाइम बाउंड है, पहले तो ऑफिशियल स्टेटमेंट है ही नहीं, वो DIPR से ट्वीट आया कि इंक्वायरी चल रही है, टाइम बाउंड नहीं है ये, मतलब कब तक करना चाहते हैं ये, क्या 7 साल इंक्वायरी करना चाहते हैं इस पर। नीट में इंक्वायरी बैठी, 2 दिन में सब कुछ नज़र आया कि कहाँ पर लूप होल्स है इनको। हमें यहाँ एक मीडिया चैनल ने हमें बोला कि 13 जून से चल रहा है एंड टुडे इज 22 जुलाई, 1 महीने से ज़्यादा हो गया ये अभी इस इंक्वायरी का, मतलब इनकी प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं ख़त्म हो रही है। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ये तो इन्वेस्टिगेशन भी नहीं अच्छे से कर रहे हैं। अगर इनको कुछ नहीं है तो हमारा लिस्ट सिलेक्शन दे दीजिए, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर बैठने का। नाइन्थ डे है, यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम, एडमिनिस्ट्रेशन से अभी भी कोई जवाब नहीं आ रहा है। मुझे ये सोच के अफसोस हो रहा है कि ये लोग 9 दिन से हम इनसे एक ही एश्योरेंस मांग रहे हैं कि इसको स्क्रैप ना करें, और जो आप लोगों ने प्रोब बिठाई है ना उसका टाइम लिमिट है। पहले तो 6 दिन जब हमने प्रोटेस्ट किया तब जाके इन्होंने बोला कि हमने प्रोब बिठाई, ये लोग कर क्या रहे हैं वहाँ पर, मजाक है यहाँ पर चल रहा है, मजाक यहाँ पर हमारे कश्मीरी यूथ के साथ खेल रहे हैं। पहले तो इन्होंने ऑफिशियली बोला भी नहीं कि प्रोब बिठाई गई, अब जब हमने 6 दिन प्रोटेस्ट किया कि आप लोगों ने प्रोब बिठाई इसके लिए तो स्क्रैप ना करो, फिर 6 दिन के बाद DIPR ट्वीट करते हैं कि प्रोब चल रहा है इस पर, ना टाइम लिमिट दिखा रहे हैं वहाँ पर ना कुछ भी, जबकि JKPSI में पहले ही बोला था 15 डेज है। आप लोग मुझे बताए ये लोग किस AC रूम में वहाँ पर बैठे हैं, इनके घर में ये नहीं चल रहा है, TV भी नहीं चलता जहाँ पर ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर हम 9 दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं वहाँ पर, इतनी इरेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है उधर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये मोदी कर क्या रहा है, कौन से डिजिटल इंडिया है इधर, यही इन्होंने यहाँ पर वादे किए थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कर क्या रहे हैं उधर, उनसे सवाल कीजिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं उधर पर, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो कौन सी टाइम लिमिट आपने बताई हमें कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कोई जवाब आया वहाँ से, 1 महीना चल रहा है, हम यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट का वेट करें और वहाँ पर वो लोग AC रूम में बैठ के आराम से बैठते हैं, चाय पी रहे जूस पी रहे, हम यहाँ पर भूखे खड़े हैं इधर, क्या कर रहे हैं ये लोग, इनको यहाँ पर यही करना था इधर।
दूसरी बात, इन्होंने JKSSB पहले ही उन्होंने हमें एश्योरेंस दी थी कि सब कुछ फेयर वे में हो गया, अब ये इनको 3 महीने 4 महीने के बाद याद आ रहा है ये सब कुछ। आप देखें खुद ये ट्वीट, हमने यहाँ पर इसको ये किया है। आप मुझे एक बात बोलिए, ये इन्होंने बोला था मोदी जी ने, जब BJP सरकार आई थी उससे पहले बोला था कि आप लोग पत्थर छोड़ो और कलम उठाओ, इसी दिन के लिए हमें कलम उठाना था, इससे बेटर था हमें पढ़ना ही नहीं था, हमें कुछ स्किल्स सीखने थे, हम इस वक्त शायद उसमें सेटल हुए होते। इन्होंने हमारे साथ 2-3 साल मजाक किया और बस बोल रहे कि आप स्क्रैप हो जाएगा, स्क्रैप ड्रामा चला रहे, पता नहीं किस ऑफिशियल को बचा रहे हो उधर। बस इतना ही कहना, बस हम यहाँ पर 9 दिन से यहाँ पर खड़े हैं, हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक वो वहाँ से एश्योरेंस नहीं देंगे। इनको लगता है हम थक जाएंगे, हम यहाँ पर सूखे पड़ेंगे और खुद ही उठ जाएंगे यहाँ पर, लेकिन हम भी बहुत ही यहाँ पर नॉन वायलेंसली हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारा सिलेक्शन लिस्ट नहीं आएगा। मुझे बाकियों का कुछ नहीं पता, मैंने मेहनत की है, मैंने 2 साल खुद कट ऑफ किया है सबसे, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे अपना सिलेक्शन लिस्ट चाहिए और कुछ भी नहीं।